गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप रैम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन की रैम आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की रैम आप कैसे इंक्रीज़ कर पाएंगे और कैसे अपने फ़ोन में रैम वगैरह को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आप कैसे देखते हैं फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जिसके ज़रिए फ़ोन की रैम को आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से माई फ़ोन पर जाना है माय फ़ोन पे जाकर फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जैसे सेटिंग शो हो रही है तो आपको बस रैम ऑप्शंस पे क्लिक करना है, जहाँ से रैम सेटिंग्स से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। और यहाँ से फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेम फ्यूज़न को ऑन करते हैं या वर्चुअल रैम भी ऑन करते हैं तो आप वर्चुअल रैम को 1 GB, 2 GB एंड 3 GB तक एक्सटेंड कर पाएंगे और रैम को बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। मॉडिफाई भी आप कर पाएंगे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और रैम भी आपके फ़ोन में इंक्रीज़ हो जाती है जब आप इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।